हेलो जी, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप सारे के सारे? सो अकॉर्डिंग टू आईजेक्स निफ्टी, हमारा मार्केट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हमें मतलब गैप अप ओपनिंग दे सकता है। हम किस प्रकार से काम करेंगे? देखिए, मार्केट में अगर गैप अप होगा तो यहाँ पे देखिए जा क्लोजिंग प्राइस के आसपास सेलर्स हैं, ये सेलर्स हमारे निकल जाएंगे एंड बचे हमारे बायर्स। बायर्स हमारे काफ़ी हैं, नीचे नीचे से हैं, तो बायर्स लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख जाएगा। तो मार्केट डायरेक्टली अगर इनका प्रॉफिट खाने के लिए नीचे आता है, तो अगर यहाँ पे सारे लोग ही सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे तो हम कुछ अलग करके बाइंग करने का सेटअप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है गाइस, अगर मार्केट ज़्यादा ही हमारे इन लेवल्स से काफ़ी ऊपर हो जाता है तब हम न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे हमने लेवल्स ऊपर भी लगा रखे हैं, अगर इन लेवल्स से मार्केट काफ़ी ऊपर आने लग जाता है, हमारा ऊपर अनएक्सपेक्टेडली ऊपर चलने लग जाता है, तो हम कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। तो अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं। निफ्टी में भी हमारा वही सिनेरियो बनता है, बट निफ्टी ने बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिकवरी दिखाई है, तो ये चीज़ थोड़ी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यार अभी लेट्स सी, ओपन होने देते हैं मार्केट को पहले प्रॉपर। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो आप जैसा मार्केट अभी हमारे लेवल्स के मतलब नीचे ही ओपनिंग हो रहा है। सो अभी देखते हैं डायरेक्टली ऐसे अपवर्ड्स की रैली आने लग जाती है। सो कुछ अलग सिनेरियो होगा, मार्केट अगर इनका एसएल खाने जाएगा तो अलग सिनेरियो होगा मार्केट में। सो लेट्स सी, अभी मैंने कुछ ज़्यादा खासी प्लान नहीं बना रखा है, अभी हम देखते हैं कि मार्केट में कितना। ऑल राइट, तो जो गैप अप है वो काफ़ी अच्छा गैप अप मिल रहा है हमें। अप्रॉक्स तो क्या मतलब 400 पॉइंट तक का हमें गैप अप मिल रहा है। चार्ट के अकॉर्डिंग साइड से हमें आज काम करना पड़ सकता है, तो देखते हैं। निफ्टी में तो मार्केट हमारे लेवल से काफ़ी ऊपर दे रहा है गैप अप। तो यार लेट्स सी, साइड से आज हम न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करें। ऑल राइट गाइज, मार्केट हमारा ओपन हो चुका है और खुलते साथ ही हमें काफ़ी बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में। निफ्टी बेरिश में आ रहा है, निफ्टी फॉल कर रहा है। तो ऑल राइट गाइज, तो अभी हम एक पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे। रिस्की पोजीशन है वैसे, बट कोई नहीं, हम बना देते हैं। ऐसे बहुत रिस्की पोजीशन है, बहुत रिस्की पोजीशन है, बहुत ज़्यादा रिस्की पोजीशन है गाइज। होल्ड करते हैं अभी मार्केट को, मार्केट हमें भी ट्रेडिंग ट्रैपिंग में भी कर सकता है। ओके, अभी होल्ड करते हैं गाइज। अभी हमने एक पोजीशन बनाई है, लॉस में चल रही है, जो एक और पोजीशन बनाएंगे अभी हम, इसमें बाय कर लेते हैं। काफ़ी रिस्की पोजीशन है गाइज, मैं अभी आपको बता रहा हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसे क्यों। ऑलराइट गाइज, तो अभी हमने पोजीशन बना दी है। पोजीशन बनाने का रीज़न यही है, मार्केट काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हो रखा है। ठीक है, मार्केट में नीचे साइड बायर्स के एसएल है। ठीक है, मार्केट इनका प्रॉफिट कम करने के लिए आ सकता है। जो सेलर लोग होंगे हमारे, वो इन लेवल्स का वेट कर रहे होंगे, बट हमने यहीं एंट्री बना दी है ताकि जब तक वो यहाँ एंट्री बनाए, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे जाए तो मार्केट जब तक ऊपर रिवर्सल कर लेगा, हम तब तक यहाँ पे अपनी पोजीशन काट देंगे। और कुछ लॉजिक नहीं है इस पोजीशन में, तो मेरा अपना ये हिसाब है। तो अभी मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के कितने चांसेस है? बिकॉज मार्केट में सब लोग सेलिंग कर रहे होंगे, तो मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के भी काफ़ी अच्छे अच्छे चांसेस। तो अभी देखते हैं, अभी तो हम करंटली लॉस में ही चल रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, कैंडले भी कितनी बेरिश है मार्केट। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, कभी मार्केट इतना गैप अप ओपन होता है तो आप लोगों को कभी भी इतना एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है मार्केट में। मार्केट यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमने अपनी पोजीशन बना दी है, तो कितना लॉस एंड कितना प्रॉफिट हम इस ट्रेड से लेंगे। तो जिस हिसाब से हमें प्रीमियम मिल रखे हैं, यार लॉस लेने का ज़्यादा मन नहीं है आज। तो मतलब 50 से 60 हज़ार तक हम इस पर लॉस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर चलने लग जाएगा तो मौका नहीं देगा किसी को भी। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट सेलर बायर्स को बैठा रहा है। ठीक है, अभी मार्केट सेलर और बायर्स को बैठा रहा है, तो तब जाके थोड़ा मार्केट अभी साइडवेज है। मार्केट को अगर जाना हो, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है। इस लेवल के आसपास मार्केट ऊपर चले जाए तो हमारा 50-60 हज़ार रुपये तो आराम से लॉस हो सकता है। तो लेट्स सी, अभी कोई नहीं, चलने देते हैं मार्केट को। यहाँ पे मार्केट सेलर्स को बैठा रहा है, जहाँ पे हम भी बैठ चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मार्केट में एक सीनैरियो चल रहा है, अगर निफ्टी अपने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन दे सकता है तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा मार्केट में। बिकॉज अभी हमारा प्रॉफिट निफ्टी में काफ़ी अच्छा चल रहा है। देन सेकेंड सीनैरियो ये, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता है, इस यहाँ पे सपोर्ट लेने लग जाता है, तो यहाँ पे हमारा पैसा बनाना बहुत मुश्किल बन सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि जो है हमारा बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, जहाँ होल्डिंग आई वहाँ पैसा बनाने में दिक्कत आ जाती है। होल्ड ना करे बस, मतलब होल्ड करके अपर साइड ना चलने लग जाए मार्केट, लेवल का ब्रेक डाउन देते। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हमने लेवल फाइंड आउट कर रखा है, तभी कहता हूँ गाइज प्री एनालिटिक्स वाली वीडियो देख लिया करो, काफ़ी अच्छे लेवल्स बताते हैं। देखिए आप, इस लेवल से मार्केट नीचे ही नहीं जा रहा है, अभी हम लॉस में ही चल रहे हैं करंटली। निफ्टी परेशान कर, बैंक निफ्टी परेशान कर रहा है, निफ्टी सपोर्ट में आज। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए मार्केट गाइस। तो भी हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे,
गाइस, तो आज हमने बुक करा है 61 के अराउंड प्रॉफिट बुक करा है। आज हमने प्रॉफिट बुक करने का रीज़न बताता हूँ। जो निफ्टी है, फटाफट बताता हूँ क्योंकि टाइम की लिमिट ख़त्म हो रही है। जो निफ्टी है वो हमारा क्या कहते हैं, डायरेक्टली फॉल कर रहा है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली मार्केट फॉल नहीं कर सकता, मार्केट में रिजेक्शन आने के कहीं से भी चांसेस हैं। और ऊपर से जो बैंक निफ्टी है वो हमारा सुपर बुलिश है। सुपर बुलिश समझ सकते हो आप। अब देखो, अब जा रहा है मार्केट नीचे कि जब मार्केट में कोई होप नहीं बची, बट हम यहाँ इतना नहीं बैठ सकते। मार्केट यहीं से भी रिवर्सल कर सकता है अगर निफ्टी में हमारे बायर्स लोग कॉल साइड की पोजीशन एक्टिवेट होगी या कॉल राइडर हमारे आने लग गए, तो निफ्टी अभी भी जैसी निफ्टी बुलिश हुआ वैसी बैंक निफ्टी हमारा ऊपर चलने लग जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अभी भी मार्केट ऊपर जा सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा रीज़न था पोजीशन काटने का, हमारा टारगेट अचीव हो गया था। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है, मार्केट काफ़ी मतलब पेशेंस चेक करने वाला मार्केट था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।